स्वामी जी, अब जो आज हम चारों तरफ जो देखते हैं, धर्म गुरुओं की बात देखते हैं, धर्म गुरु कहते हैं कि मेरा जो धर्म है, मेरा जो ये मंत्र है, ईश्वर है, और मेरा जिसको आप फॉर्मेट कहते हो, इसके माध्यम से ही मुक्ति मिलती है, आप यहाँ तक आओ, और उसके अंदर क्या है कि लोगों को वो आकर्षित करते रहते हैं, और उस को अगर वो दूसरे को गुरु, अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य गुरु को मानते हैं तो उसको मिथ्यात्व भी माना जाता है। देवगुरु धर्म की परिभाषा भी ऐसी बना दी है कि देव तो तीर्थंकर भगवान सबके हैं और धर्म है वो सबका एक है। जैसे जैन धर्म की बात करें, उसके सिद्धांत एक से, लेकिन जा गुरु का प्रश्न आता है, गुरु बहुत है, हर एक के आचार्य अलग अलग गुरु है, गुरु धारणा करने के बाद उस गुरु की जो शिक्षा है उसके विपरीत जाना वो मिथ्यात्व ही कहलाता है। आपके दर्शन के अनुसार तो ये सारा रिलेटिव सत्य है, लेकिन फिर भी ये बहुत कहा जाता है। इसी कारण एक गुरु का कोई अन्यायी दूसरे गुरु के पास जाता नहीं है या उसकी बात को स्वीकार नहीं करता, कि वो मिथ्यात्व बन जाएगा। मिथ्यात्व बनेगा तो अभवी होगा, अभवी भव, उसके भाव बढ़ जाएंगे और वो घूमता रहेगा। तो इसके बारे में अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है, क्योंकि ये अन्य अन्य धर्म गुरुओं या अन्य अन्य संप्रदायों के अंदर ये बात बहुत ज्यादा चलती है और ये सिखाई जाती है, रटाई जाती है। कृपया थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से धर्मगुरु आत्मा की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, संजोगों का संभाव से निपटारा करने की बात करते हैं, मालिक की भाव, कर्ता भाव छोड़ने की बात करते हैं, ये सब बातें तो करते हैं क्योंकि ये किताबों में है, शब्द ज्ञान के रूप में किताबों में है, तो वो अच्छी अच्छी बात करेंगे तो लोगों को भी आनंद आएगा। मगर ये जब बातें जब प्रैक्टिकल की आती है तो ये बातें उसको लक्ष्य में नहीं रहती है। हम इस दुनिया में कुछ पाने के लिए आए हैं, कुछ खोने के लिए आए हैं, या अज्ञान को मिटाने के लिए आए, क्योंकि पाना खोना वो तो हमारा विषय है ही नहीं। मगर अज्ञान को मिटाना ये तो हमारा विषय है, क्योंकि अज्ञान को ही हमने ज्ञान माना है, तो अज्ञान को मिटाना ये हमारा विषय होना चाहिए। ये दुनिया में से कुछ पाना खोना वो विषय नहीं होना चाहिए जागृत पुरुषों के लिए, क्योंकि हम परिवार से भी मुक्ति चाहते हैं, संबंधों से भी मुक्ति चाहते हैं, गुरु शिष्य से भी मुक्ति चाहते हैं। तो मुक्ति का मतलब होता है छूटना, छोड़ना नहीं, छूटना। अगर कोई शिष्य एक जगह से दूसरी जगह गया तो तकलीफ क्या है, उनको जाना है तो जाए, इसीलिए जब वो जाता है वहां और गुरु को पसंद नहीं आता है, सबसे बड़ी बात ये होती है मालिक की भाव। हालांकि ज्ञानी भगवान तो फरमाते हैं कि यह शरीर का भी मालिक की भाव होना, तो अन्य शरीर का मैं मालिक की कैसे कर सकता हूं, मगर क्योंकि यह अज्ञानता के बस जिस प्रकार से मैं रॉन्ग बिलीफ लेकर आया हूं तो इस प्रकार का मैं बिहेवियर करता हूं। तो इसीलिए ये विज्ञान के अंदर जैसे जैसे आपको यह समझ में आएगा वैसे वैसे आपको ख्याल आएगा कि ये विज्ञान के अंदर यहाँ कोई यहाँ आता है वहां जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसका जहां हिसाब होगा वहां ही जाएगा। इसमें अगर रिस्ट्रिक्शन करोगे तो अननेसेसरी राग द्वेष बनेगा, उनका जिम्मेदारी तुम्हारी भी होगी। तो मालिक की भाव छोड़ दो और सहज रूप से उनके संजोग क्या ले जाते जाने दो, और आपके संजोग क्या लेते जाने उस देखते रहो। सभी की अवस्थाओं को कुदरती रचना देखो, आता है तो भी और जाता है तो भी, तो इसमें आपकी भी मुक्ति होगी और सामने वाले भी मुक्त रहेंगे। तो ये मुक्ति आध्यात्म विज्ञान का मार्ग, मुक्ति का मार्ग है, और उसी प्रकार की हमारी दृष्टि और सोच होनी चाहिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अध्यात्म विज्ञान मुक्ति का मार्ग है। आपने बताया क्योंकि यह सनातन सत्य पर आधारित है और सनातन सत्य ये कहता है कि मेरा मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा का है, वही मोक्ष है, और उसकी प्राप्ति करने के लिए जो बाधक तत्व है वो है अज्ञान। तो हम अज्ञान पर चोट करेंगे, अज्ञान को मिटाएंगे, अज्ञान को जीरो करेंगे, अज्ञान को डिलीट करेंगे तो वो तो शुद्ध अवस्था में चला ही जाएगा। तो मूल सब बातों का प्रश्न ये है कि अज्ञान के ऊपर करो, अज्ञान है वो मालिकी भाव, डूअरशिप ऑनरशिप है। डूअरशिप ऑनरशिप को हटाइए, इस पर चोट कीजिए, इससे अलग होइए, इसका अभ्यास कीजिए, यही मुक्ति का मार्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागण, बड़ा आनंद आ रहा है, सत्संग आगे बढ़ रही है, आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।